बहुत लेट है वो। इधर आ गया शाम से पहले। ओके गाइज, मुझे पता है आप लोग बोल रहे हैं यार कल ही तो इसने कहा था कि एक नई वीडियो आएगा, एक नई गेम की वीडियो। यार वो वीडियो में थोड़ा सा एडिटिंग में थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है, थोड़ा लेट हो गया है, तो अभी फिलहाल इसी से काम चला लो। वो वाली वीडियो आपको कल या परसों देखने को मिल जाएगी जब तक उसकी एडिटिंग जो है कम्प्लीट होगी। फिलहाल तो आपको ये मिरर वर्ल्ड ही देखना पड़ेगा। और देखो कैसे भरते हैं, इधर भी एक बंदा दिखा। ये बंदा पगला तो नहीं था, उसको मार रहा था स्टैचू को। इसके दूसरे साथी को मारने के लिए जाता हूँ तो वो उछलने बैठ जाता उधर। मैंने देख लिया उसको उछलते हुए। वैसे मुझे पता तो था उधर कोई है, बट वो उछलने लग गया तो यार इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। अपन चुपचाप वहाँ से निकल लिए और किसी बेचारे का किल चुराया। वैसे इसके साथी को भी पेलने वाला था मैं, लेकिन वो टीपी लेने लग जाता है। और ये जो बज रहा था इसको बजा दिया मैंने। अब बारी थी इसकी। मैं यहाँ पे पेन किलर लगा रहा हूँ, वो मेरे सामने टीपीपी ले रहा है। मैं इस तरफ आता हूँ वो उस तरफ जाता है, मैं उस तरफ से वापस इस तरफ आता हूँ वो वापस इस तरफ आता है, मैं इस तरफ से वापस उस तरफ जाता हूँ। भाई ये हील लगाने देखा कि नहीं मेरे को? खैर वो भी हार के उछलने बैठ जाता। मैंने बोले यार चलो आओ यार, एक बार थोड़ा अपनी मुंडी दिखा दो, जरा धोखा मत देना। बस अभी अभी जस्ट ही एक दो किल तो किया मैंने। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले हीलिंग लगाता हूँ। वैसे धोखा देखिए करे का भी क्या, पीछे मेरा बंदा था वहाँ पर खड़ा, धोखा देता तो वो इसको ही मार देता पता। अब फिलहाल मैं अंदर आता हूँ, उन तीनों को छोड़ दिया और वो अपने टीम अप वाले हैं। फिलहाल अंदर पेलते हैं हम बंदों को, ठीक है? अंदर भर भर के बंदे थे, साले छुपे हुए थे। पर मैंने सोचा यार ठीक है हम भी कैंपिंग करते हैं यहाँ पे, मैं भी मस्त यहाँ पे छुप गया। फिर होता है एकदम महाभारत। अब सामने बंदे छुपे हुए हैं, बाहर से कुछ बंदे आते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है अंदर छुपे हुए बंदों के ऊपर यार। मतलब यार अंदर सबका है यार, मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम कब्जा डाल के बैठ जाओ उधर। अब देखो कैसे छुपे हो उधर एकदम बाउंड्री के पीछे, तो बाहर से फिर भी आके मार ही जाते वो इनको पता। ऊपर से मैं भी इनका जीना मुश्किल कर रहा था यहाँ से। लो गए बेचारे दोनों। लेकिन सखा तो ये भी नहीं था हमारा, तो इसको भी ठिलाए हम। अब इसके टीममेट की बारी। अब अंधा है क्या? अंधा है क्या ये? बिल्कुल, मतलब देख रहा है कि अभी अभी टीममेट को पड़ी है ऊपर राइट साइड से, फिर भी अंधों की तरह घुस रहा है। इसके टीममेट को फिनिश किया, गलती तो इसी की थी। अब फिलहाल मेरे बाहर दो तीन बंदे हैं टीमों वाले, और ये नेट पता नहीं कौन फेंक रहा है मेरे पे। अब यहाँ पे इकलौता ऐसा बंदा जो कि मुझे लग रहा था भाई जो मुझे फाइट में पेलेगा, वो ये बंदा लग रहा था। ये बंदा भाई एकदम हाथ धो के पीछे पड़ा था, कभी उधर से आ रहा कभी इधर से। तो मैंने सोचा यार चलो पेलते हैं। एक सेकंड के लिए हम दोनों ओपन में आए, हम दोनों एक दूसरे को डैमेज दिया, और इतना मेरे को पता था मैंने इसको हल्का सा ज़्यादा डैमेज दिया। भाई साहब जी छुप गए, उसके बाद हम दोनों हीली हीली करने लग गए यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले था, जितनी हो सके हील फर्स्ट एड जो भी है वो मारने वाला था। मुझे पता था यार या तो मैं इसके हाथों मारा जाऊँगा या तो ये मेरे हाथों मारा जाएगा, इट्स अ कॉमन थिंग। तो वो आगे नहीं आता, उसको पता था अभी अभी वो पिटेगा, तो वो वहीं से टिप टिप करके ना मेरे को उकसा रहा था। अब हम भी उसको यहीं से उकसाने बैठ जाते हैं। अब वो हमें उकसा रहा है, हम उसे उकसा रहे हैं। फिर मैंने बोला चलो यार बहुत होगा। बहुत हुआ सम्मान, जाके पेल दे इसको। और एक और बंदा आता तुरंत, ये टीम अप वाला था, कौन था आई डोंट नो। लेकिन ये क्या हुआ भाई साहब, मतलब जैसे उसको मारने लगे वो आ रहा था भाग के मेरी साइड, तो उसको तभी जो है एकदम पूरा शहर ही तबाह हो गया। उसके बाद हम बग्घी में आए इस जगह पर, एकदम आए तो था हम कैंपिंग करने यहाँ पे कि भैया कोई गाड़ी आएगी तो मारेंगे उनको। लेकिन गाड़ियाँ आते क्या करती थी, आते ही सबसे पहले उतरते ही जंप मार के ऊपर चली जाती थी, मतलब ये कोई तरीका नहीं हुआ। और ये गाड़ी वाला तो मुझे देख के भाग गया, वापस आता बेचारा वहाँ से। मैंने सोचा इसका पीछा करता हूँ मैं, किस दिन काम आएगी अपनी बैरल। और ये क्या था, और ये भी क्या था, मतलब गाइज ये था क्या? वो बंदा गाड़ी से सीधा अंदर गिरा, अंदर से सीधा ऊपर, और उतरा भी नहीं वो नीचे, गाड़ी से चलती गाड़ी से कूद के सीधा अंदर चला गया। और मैं उसको मार रहा था पैराशूट से, उसी की डायरेक्शन से एक और बंदा आता है बिल्कुल बेचारा मेरी गन के ऊपर। क्या आया, क्या किस्मत पाई उस बंदे ने। फिर
फिलहाल हम इसको तो पेल दिए हैं, अब इसके टीममेट की बारी भी है, लेकिन कवर में पहले बच्चा कुछ थोड़ा डैमेज और देके मैंने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब उसका जो टीममेट है वो पता नहीं कहाँ, शायद पेड़ के पीछे होगा या शायद कहीं और होगा, बट मैं यहाँ पे जो है उसी पेड़ पे आके रुकता हूँ। तब मैं समझ गया, अरे वो पत्थर के पीछे चला गया है। तो देखो कैसे निपटा था इसको, ईजिली निपटाया भाई। इतना लंबा पीक दे के रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे पीक दो ताकि थोड़ा टाइम बचे तुम्हारा भी। फिलहाल बहुत फालतू की हेल्थ खा रहा भाई, बहुत फालतू की हेल्थ खा रहा है ये बॉट। हेल्थ खाए खाए लेकिन दिखे तो सही, तभी गाड़ी आती है। मैं जब इस पर फायर करा तो गाड़ी आई। अब देखो गाड़ी आई तो मेरे को पता नहीं चला कि गाड़ी आई कहाँ से, क्योंकि गाड़ी आई और दूर ही रुक गई। मतलब एक हल्का सा राउंड हुआ, मैंने एक शील्ड बना ली, मुझे नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में बनानी थी लेकिन मैंने बना ली। मैंने बोला रैंडम दो डायरेक्शन तो मैं ऑफ करूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ गाड़ी गई कहाँ। वो आई तो थी तभी इन भाई साहब का फायर आता मेरे ऊपर। मैं समझ गया गाड़ी इस तरफ आई थी, पेड़ के पीछे रुक गई, इसीलिए जो इसकी आवाज़ भी बहुत कम आई मेरे को। अब मैं यहाँ पे क्या हकता हूँ जस्ट देखो गाइस, क्या हकता हूँ मैं इस बंदे के खिलाफ, या फिर यूँ कहें कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा खेला यार। एकदम मेरे एकदम फायर के बीच में आके बंदा जंप मार के मेरे को मार के चला गया। खैर उसके बाद आते हैं और रैंडमली पता नहीं कहाँ से लेकिन बंदूकबाज की क्लैन का एक बंदा मेरे को मिल जाता है। और ये शायद लास्ट मैच में भी आया था लेकिन मैं भी मर गया था और शायद ये भी मर ही गया था। अब देखो फिलहाल, लेकिन जब भी मैं किसी इस बंदे के साथ खेलता हूँ जो मेरे को जानता हो तो यही हाल होता है मेरा। कहीं से नॉक कहीं से फिनिश हो जाते हैं, और ये गलती आप कभी मत करना। वैसे आप ट्राई कर सकते हो वन एक्स बेट, जहाँ पे जो है बहुत सारे क्रिकेट वाली गेम्स, फुटबॉल वाली गेम्स, मतलब 200 प्रकार की गेम्स है जहाँ पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो एंड खेल भी सकते हो उन गेम्स को एंड उनसे पैसा भी कमा सकते हो। जी हाँ गाइस, फर्स्ट डिपॉजिट पे अगर आप बोनस कोड यूज़ करते हो कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ तो वहाँ से जो है आपको मिलेगा 13,000 का कैश बोनस। जी हाँ, कुछ भी डिपॉजिट करो आपको जो है 13,000 कैश बोनस मिलेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ट्राई करना वन एक्स बेट, एंड हाँ लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, तो जाइए गाइस जाइए, ठीक है। वैसे भी अब जो है इंडिया से साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आने वाली है, T10 लीग्स बहुत सारी हैं, तो ट्राई करना है उनमें मस्त एकदम। फिलहाल इस बंदे को यार इतना डैमेज दिया लेकिन किल गया मेरे टीममेट को। मैं यहाँ पे हीलिंग वीलिंग कर रहा था लेकिन पहले उसकी जान बचा लेते हैं ना, उसके बाद करेंगे ना। और वहाँ पे हीलिंग वीलिंग थी भी नहीं मेरे पे इतनी, तो मैंने सोचा यार करके फ़ायदा नहीं है, ये भी फालतू में नॉक हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले ना दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे सबसे पहले छत के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको फेंकने की ट्राई करता हूँ बट ये पता नहीं क्यों गिरता नहीं है। तो इतनी देर में ना आ जाती है बग्गी, अब मैं इसको रिवाइव करने वाला था लेकिन बग्गी आ गई मेरे हाथ में थी यार। ये वाली ये पता नहीं कौन सी वाली गन है यार, ये थोड़ा AKM जैसी दिखती है लेकिन चलो। सब लोग एक काम करो कमेंट सेक्शन में इस गन का नाम बताओ मेरे को, ठीक है, देखते क्या है। वो बंदे तो यार चले गए, वैसे मेरे हाथ में M4 होती ना वहाँ पे उस समय, तो भाई वो ऊपर बगी वाले को तो निकाल देता मैं, वो बेचारे गए होंगे दोनों वहाँ वो एकदम ऊपर जाने वाली जगह पे। फिलहाल पीछे से फायरिंग आती है, हम भागे पीछे की साइड, हमारी बगी तो थी यहाँ पे। तो अब देखो नहीं पता था बंदे कहाँ पे हैं लेकिन इतना पता था कि ट्रिपल स्टोरी के बिल्कुल आसपास से कहीं से फायर हुआ, तो मैं तो ट्रिपल स्टोरी देख रहा था तभी बंदा सामने। और भाई पहले वाले बंदे को मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरा ध्यान ही दूसरे वाले बंदे की तरफ था, और यहाँ पे जो है बच जाता है तुम्हारा भाई। वैसे बहुत ही बार बार बचाऊँ मैं, और पता नहीं कैसे बच गया मैं। उसके बाद वहाँ से निकला सीधा पहुँचता इस जगह पे। अब यहाँ पे मेरे को जाना कहा था सीधा सामने, लेकिन भाई वो बहुत ही ख़राब ग्लिच है भाई ये बग्गी का, पता नहीं क्या हो जाता बग्गी को। खैर वहाँ से गाड़ी चेंज करी इधर आते हैं, तो यहाँ पे आए तो दो गाड़ियाँ आई आती ऊपर चली गई, इन्हीं का पीछा कर रहे थे हम लेकिन ये ऊपर चली गई। तो मैंने बोला यार चल इनकी गाड़ी तो काम आई, ये भले बंदे ऊपर चले गए कभी ना कभी तो नीचे आएंगे, चिकन डिनर तो तुम्हारा भाई ही करेगा, मैंने ये सोचा था। और उसके बाद ना यहाँ से निकल गए हम, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे बीचों बीच एक बंदा खड़ा था। अब वो हमारी बग्गी को देखता, उसको लगा शायद हम ऊपर जाने वाले, जब हम नहीं गए तो फायरिंग करता है कि आ जाओ भाई पीछे आ जाओ थोड़ा हमको ट्राई करने दो। और फाइनली यार इसको भी निपटा दिया, और ये बंदा भी जो शायद ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था, पीछे ड्रॉप लूटने आया था, इसकी गाड़ी वाड़ी पता नहीं कहाँ पे है। अच्छा वो सामने ड्रॉप नहीं है, इसकी गाड़ी है वो। खैर अब बारी थी यहाँ से निकलने की गाइस, और इसका 6x चाहिए था यार मेरे को पता, 6x और प्लस एक एक्सटेंडेड मैग। अब
सेवन नहीं आते हम यहाँ, देखा चाखा कुछ मिला नहीं यहाँ पे, तो हम जाते हैं उधर ड्रॉप था पीछे, वो बिल्कुल सामने शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, दिख रहा होगा। तो वहाँ पे ना एक गाड़ी चली गई थी ऑलरेडी, एक बग्गी चली गई थी वहाँ पे, और दूर से दिख रही थी कि वहाँ पे बग्गी है एकदम, वो एकदम बंदे भी दिख रहे थे दो दो, हम क्लोज जाते गए जाते गए बंदे और साफ साफ दिखते गए। तो मैंने बोला यार नीचे रिज पे रोकना, ज़्यादा आगे मत लेके जाना वरना मैं ही पीलूंगा, क्योंकि मैं ही सबसे ऊपर दिख रहा हूँ, तू तो ड्राइविंग कर रहा है। क्या एकदम सस्ते में निपट गए यार ये दोनों बंदे, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में। ये बंदा तो बेचारा इतनी ओपन में आ चुका था कि यहाँ से ना पीछे जा सकता था ना आगे जा सकता था, और पीछे वाला तो भाई क्या कहूँ, बग्गी से उतर के बेचारा कवर में भी नहीं जा सका। इसकी ग्रोजा जरूर ले लेता हूँ मैं, एडोबे में लेने का भी मन था लेकिन यार ले नहीं पाए। उसके बाद आते सीधे यहाँ पे, जब मैंने सबसे पहले तो ये डासियाँ चेंज करी, और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था रोजों में बंदे हैं यहाँ पे, मैं डासियाँ बैठा स्किन चेंज करी, उसके बाद मैंने ड्राइविंग के लिए टीममेट को दे दी। अब मैं जब देखता हूँ ना घरों की साइड, तो मुझे एक बंदा नज़र आता है खिड़की पे, आगे वाले घर की खिड़की पे भी और पीछे वाले घर की खिड़की पे भी, बट मैं इतना श्योर नहीं था, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं पीछे देखता रहा देखता रहा, तभी नेट, और तब भी हमें समझ आ गया भाई चलो वापस चलो जल्दी जल्दी बंदे वहाँ पे। अच्छा तीन टीमें थी, लेकिन मेरा टीममेट इतना गाड़ी घुमाने बैठ गया, इतना गाड़ी घुमाने बैठ गया कि जब तक उसने गाड़ियाँ घुमाई, कुछ बंदे तो आपस में निपट गए मार मुर के, कुछ बंदे नेट से निपट गए आपस में, और अभी बचे थे दो टीमें, यानी कि तीन बंदे के करीबन थे शायद। अभी इसको तो ले गया, और ये अकेला ही बंदा था, अभी एक एक बंदे और बचे हुए थे, दोनों अलग टीम के थे, तो वो भी सामने जो है निपट रहे थे आपस में से, और मेरे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है उनमें से एक बंदा और निपट गया। अब ये ऊपर गया सीधा, और बेचारा यार इंस्टेंट इंस्टेंट वहाँ पे जो है उसका क्रेट लूट रहा है ना, कि अच्छा होता क्या है कि नॉइस रहता ना इसका, जब आप स्मोक कर देते तो नॉइस रहता स्मोक का, इसलिए वो बिल्कुल ही उसको लगा नहीं कि भाई ये बंदे सीधा घुस जाएंगे स्मोक के अंदर ही, सीधा ऊपर चले जाएंगे। अब मेरे को बंदे दिखते हैं दो ओपन में लेटे हुए, मैंने उसको बोला यार यहीं पे रोक दे यहीं पे रोक दे, हम यहीं से मारेंगे, लेकिन पीछे ही रोक दिया यार, अबे आगे रोकता थोड़ा मज़ा भी आता। और थोड़ा सा कुछ दो सेकंड लेट हो गए शायद हम, उस कारण जो है उस बंदे ने दोनों को ही निपटा दिया, और हमने फिर उसको निपटा दिया जहाँ पे तीन किल हमारे बनते मिनिमम, वहाँ पे जो है एक ही किल बना, और उसके बाद वापस आ जाती इस जगह पे जहाँ पे जो है अगेन सामने जो है गाड़ी खड़ी थी, एक शील्ड भी बनी हुई थी शायद, और बंदे भी यहीं कहीं थे। अब यहाँ पे भी फाइट हुई थी, अब देखा नहीं कि कहाँ रोकना है, और हम रुक जाते इस वाली साइड, जबकि मेरे को नहीं लग रहा था कि शायद इस वाली साइड बंदे होंगे भी, थोड़ा मैं घुमाता तभी बंदा दिखता है। एक समझ के फायर किया था तो दूसरा भी निकला वहीं पे, तो मैंने फिर फायर शिफ्ट करके दूसरे को ही मारना स्टार्ट कर दिया, और उसका नॉक मिला मेरे टीममेट को। अब निपटाना था इन दोनों को वापस, और यहाँ पे ना ओपन में स्मोक कर देता मेरे टीममेट, दूसरी बार में शायद इस बंदे को पहले ही मार देता, बट यहाँ पे हुआ क्या कि यार मेरा जो गन है तब रीलोडिंग पे था, और सप्रेसर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं सप्रेसर तो जब मेरे को दिखता तभी फेंक देता हूँ मैं। आप लोगों को पसंद है क्या सप्रेसर, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आते इस जगह पे जहाँ पे जो है मैं थोड़ा वेट करता हूँ, उसके बाद एक मॉली फेंकता हूँ उस जगह पे जहाँ पे शायद इनका रिवाइव चल रहा होगा, और वाकई में इसी जगह पे चल रहा था इनका रिवाइव। नहीं हुआ नहीं हुआ, खैर मैंने यहाँ पे जो है एक नेर भी मारा, तभी जो है वो नीचे कूद जाता मेरी साइड टीम पे ले रहा था, और उधर भी जाता तो भी मरता, इधर भी आया तो भी मरा ही है, पहली मर जाता इतनी से बढ़िया। खैर उसके बाद जो है यहाँ से अब आखिरी कुछ बंदे बचे हुए थे, ढूंढते ढूंढते उनकी भी आपस में फाइट होती है, इस तरफ से फायरिंग की आवाज़ आई थी, और यहाँ पे मिलता हमको मैच का आखिरी बंदा। अब इसको जिस प्रकार से मारने वाले ना, जस्ट देखो जरा गाइस, नहीं मैंने सोचा नहीं था इसको इस प्रकार से मारूंगा, इसलिए जिस प्रकार से इसको मैं मारने वाला हूँ, जस्ट देखो जरा, ये इस बिल्डिंग में है आखिरी बंदा है। मैंने सोचा यार क्या ये मैच है क्या, कोई कुछ इंटरेस्टिंग करते ना, मैंने हाथ में नेट कुक किया, मैंने बोला यार मारेंगे तो इसको नेट से ही, मतलब ऐसे मारेंगे कि हम भी फूटेंगे और ये भी जाएगा। और इसी के साथ होता गाइस एक इंटरेस्टिंग चिकन डिनर। सो आई होप गाइस आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो है आप चेकआउट कर सकते हो हमारे यही चैनल, चेकआउट करो यार जाके सब्सक्राइब करो, एंड हाँ दूसरी वीडियोस भी आने वाली है दूसरे और गेम्स की, तो उसके लिए भी वेट करना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्राई करना वन स्पीड को भी, और बाय।